कृष्ण को समझना है ना, वो टीवी उठा करके फेंक देना चाहिए रोड पर। मैं तो बिल्कुल इसके फेवर में हूँ। व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं प्रभु जी, हमने तो अभी कल ही खरीदा है या पिछले महीने लिया है और हम उसमें कृष्णा ही देख रहे हैं। कृष्ण देखकर समझ में आते तो पूरा विश्व समझ जाता। कृष्ण तो अनुग्रहता से प्राप्त होते हैं, यानी कि जब हम गुरु शरण प्राप्त करते हैं और गुरु कृपा करते हैं तब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तब टीवी अपने आप अंदर इंस्टॉल होगा और उसमें पिक्चर चलेगी कृष्ण कौन है। देख करके समझा तो क्या समझा, इन्हें देखकर नहीं समझते। और देखकर समझते तो समस्त अंधे जितने हैं वो कैसे समझते कृष्ण को। और उसके परकाष्ठा है हमारे सूरदास, नेत्रहीन है भौतिक, कैसे समझते कृष्ण को अगर आंखों से कृष्ण देखकर समझ में आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग कोशिश करते हैं भगवान को आंखों से देखने की, नाक से उनकी पुष्पमाला सुगंध करने की, जिह्वा से उनका प्रसाद पाने की, ये एक्चुअली कभी कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि कृष्ण आंखों से तो कभी दिखते ही नहीं है। कृष्ण कैसे दिखते हैं? बोले कानों से दिखते हैं। बोले सुगंध भगवान के चरणों की जो है वो कैसे ली जाए? बोले वो भी नाक से नहीं ली जाए। बोले नहीं, वह पुष्प की सुगंध भी कानों के माध्यम से सुगंधित होती है। बोले भगवान का प्रसाद मुंह से नहीं खाएं? बोले नहीं, कानों से। अब ये मत करना प्रसाद हम हॉल में जाकर कानों में डालने लग जाओ, इसका यथार्थ मतलब क्या है वो समझो। भगवान कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया तो भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन कैसी स्थिति है, कुछ समझ आया? बोले हाँ कृष्ण, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादात्मयि अच्युतः। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापिस आ गई है। किस कारण से? त्वत् प्रसादात्मयि अच्युतः, हे अच्युत तुम्हारा प्रसाद पाकर के। कौन सा लड्डू बांटा था? हाँ जी, और आप अभी दौड़कर जाओगे प्रसाद पाने, ये क्या चल रहा है? ये प्रसाद असली प्रसाद है, वो बाद में वाला तो उदर पारण के लिए है, पेट भरने के लिए है। वहां से तत्व ज्ञान नहीं होता, केवल और केवल श्रवण के माध्यम से ही भगवान को देखा जा सकता है, सूंघा जा सकता है, चखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, आत्मचिंतन किया जा सकता है, केवल श्रवण। जितनी विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम और पाद सेवनम आत्मनिवेदनम अर्चनम वंदनम साख्यम जितनी है नवधा भक्ति, इनमें से भगवान क्या कहते हैं? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्त करह उदय। श्रवण आदि, आदि मतलब एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा, आदि लगाते हैं ना सूर्य चंद्र आदि आदि देवता, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। श्रवण आदि मुख्य क्या है? इसलिए सोसाइटी का नाम क्या है? इस कान, इस कान, इस कान के माध्यम से ही आज पूरा विश्व कृष्ण का दर्शन कर रहा है। इस कान के माध्यम से कर रहा है कि नहीं? तो कान नहीं होंगे तो फिर कभी व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाए। श्रवण करना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं अरे हरि नाम ही सब कुछ, माला कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे, पढ़ना लिखना थोड़ी जरूरी है। तो हमारे गोस्वामियों ने क्यों ग्रंथ लिखे षट संदर्भ? क्यों विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर हमारे आचार्य खाली अगरबत्ती करने के लिए बनाई गुरु परंपरा? मना शिक्षा, भक्ति तत्व विवेक, जैव धर्म क्यों लिखा इन लोगों ने? क्यों श्रील प्रभुपाद ने रात रात बैठकर भागवत ट्रांसलेशन किए? अगर जप करने से भगवान की प्राप्ति होती तो क्या जप करना गलत है? बोले नहीं, जप की पूर्णता प्राप्त होगी श्रवण के माध्यम से। जो व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, अध्ययन नहीं कर सकता, उसका नाम कभी शुद्ध नाम निकलेगा नहीं, वो हमेशा नाम अपराधी रहेगा। नाम तो जपेगा अपराध के कारण। इसलिए जो श्रवण नहीं करते भगवान के बाद, श्रवणादि शुद्ध चित्त कर रहे उदय। कृष्ण भक्ति अंदर है, प्रेम है, लेकिन उदय कैसे होगा? श्रवण करने से। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।